नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूं जो कि फोलिक एसिड के बारे में है। तो इस वीडियो में हम लोग फोलिक एसिड क्या है, इसका इम्पोर्टेंस और ये हमारे को प्रेगनेंसी में क्यों दिया जाता है, ये सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फोलिक एसिड जनरली एक मल्टीविटामिन टाइप का एक चीज है जिसको हम फोलिक भी कहते हैं या हम विटामिन B9 भी कहते हैं। और ये जनरली जो हमारे जो साग सब्जी जो होते हैं, जैसे कि आपके मतलब केबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, उसके साथ में आपका बीन्स हो गया, ये सब पे ये ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। और ये जो फोलेट होता है, इसको जब हम लोग मतलब मेडिसिन का फॉर्म में यूज करते हैं तो उसको हम लोग मतलब फोलिक एसिड का फॉर्म में ये हमारे मार्केट में अवेलेबल है। और इस फोलेट को मतलब कन्वर्ट करके फोलिक एसिड फॉर्म में यूज किया जाता है। तो फोलिक एसिड हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, और ये जनरली जो प्रेगनेंसी के जो मतलब महिलाएं होते हैं, जो महिला प्रेग्नेंट होते हैं उनमें ये दिया जाता है, तो ये किस लिए दिया जाता है, तो अभी इसके बारे में हम जानेंगे। तो प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड का बहुत महत्व है, और ये एक ऐसा मतलब एक विटामिन है जो कि फोलिक एसिड मतलब प्रेगनेंसी में लेने से माँ को मतलब कई तरह के मतलब बीमारियों से बचाता है। साथ साथ में माँ के पेट में पलने वाले जो बच्चा है उसको भी कई तरह के मतलब बर्थ डिफेक्ट से ये प्रिवेंट करता है। तो फोलिक एसिड जनरली क्या करता है, फोलिक एसिड का मतलब एक अच्छा एक उसका मतलब गुण है कि ये क्या करता है, हमारे जो ब्लड सेल होता है उसको मतलब ये मल्टीप्लीकेशन में बहुत हेल्प करता है, और ओवरऑल हमारा बॉडी का सेल मल्टीप्लीकेशन में हेल्प करता है। तो मतलब जब एक गर्भवती महिला जब एक प्रेगनेंसी में ये फोलिक एसिड का टेबलेट लेंगी तब उसको क्या होगा, मतलब उसको मतलब वो एनीमिया से बचेंगे, मतलब जो रक्तहीनता का जो प्रॉब्लम होता है उसको ये होने नहीं देता है। तो फोलिक एसिड शरीर में लेने के बाद में क्या होता है, हमारे शरीर में जो ब्लड सेल का RBC का जो प्रोडक्शन होता है, रेड ब्लड सेल का, वो मतलब बढ़ जाता है। और इसे क्या करता है, हमारे शरीर में जो ब्लड का फॉर्मेशन में ये बहुत हेल्प करता है, और साथ साथ में जो गर्भवती महिला है उसको मतलब रक्तहीनता से ये बचाता है। तो फोलिक एसिड का और एक कारण है जिसके लिए कि ये प्रेग्नेंट वुमेन में दिया जाता है। तो ये क्या करता है, प्रेग्नेंट वुमेन को कई तरह के बर्थ डिफेक्ट से बचाता है। तो बर्थ डिफेक्ट किसके कहते हैं, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो बर्थ डिफेक्ट उस तरह के डिफेक्ट्स को कहते हैं जो कि बच्चों को मतलब प्रसव के दौरान होता है या माँ के पेट में रहने के समय जो मतलब फोलिक एसिड का डिफिशियंसी कारण जो मतलब डिफेक्ट कुछ डिफेक्ट होता है वो सबको मतलब बर्थ डिफेक्ट कहते हैं। तो वो सब बर्थ डिफेक्ट में आपका मतलब एक टाइप का बर्थ डिफेक्ट है जो कि एनेंसेफेली कहते हैं, जिसपे कि आपका मतलब बच्चे का मतलब जो सर का जो ब्रेन है वो अच्छे से मतलब डेवलप नहीं होता है, और स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से डेवलप नहीं होने के लिए क्या होता है, उसका सर में मतलब ऐसा छेद रहता है, तो उसको एनएनसीपीली कहते हैं। तो ये बर्थ डिफेक्ट जनरली फोलिक एसिड के कमी के कारण देखा जाता है गर्भवती महिला में। और गर्भवती महिला में फोलिक एसिड का कमी होने से और एक टाइप का बर्थ डिफेक्ट देखा जाता है जिसको हम एनसेफेलोसील भी कहते हैं, जिसमें कि क्या होता है, जो हमारे जो ब्रेन का जो टिश्यू होता है वो ब्रेन से मतलब निकला हुआ रहता है बच्चे का, तो उसको एनसेफेलोसील कहते हैं। तो इस टाइप का बर्थ डिफेक्ट भी आपको देखा जाता है। और आपका और उसके साथ साथ में और एक टाइप का आपका बर्थ डिफेक्ट है जो कि जनरली देखा जाता है, जो कि उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं। इसमें कि क्या होता है कि बच्चे का जो पीठ के तरफ का जो आपका जो हड्डी होता है उसमें से आपका जो बच्चे का जो स्पाइनल कॉर्ड का जो कुछ पार्ट है वो मतलब अच्छे से डेवलप नहीं होता है। तो डेवलप नहीं होने से क्या होता है, बच्चे का पीठ में ऐसा छेद जैसा ऐसा रहता है। तो ये सभी कुछ मतलब बर्थ डिफेक्ट देखा गया है प्रेगनेंस के लिए। तो इन सभी बर्थ डिफेक्ट को मतलब दूर करने के लिए जनरली जो प्रेगनेंट जो वुमेन है उसको मतलब फोलिक एसिड का टेबलेट दिया जाता है। वो मतलब जो जब उसको पता चलता है कि वो मतलब प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसको प्रेग्नेंट होने का जो न्यूली मैरिड जो कपल होता है तो उसको मतलब प्रेगनेंसी का पहले उसको मतलब दिया जाता है, और आफ्टर कॉन्सेप्शन मतलब जब उसका प्रेग्नेंट हो जाएगा उसका 3 महीना के बाद तक मतलब ये फोलिक एसिड का टेबलेट कंटिन्यू करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों अभी फोलिक एसिड टेबलेट के डोजेस के बारे में जानेंगे। तो फोलिक एसिड टेबलेट जनरली आपका 5 मिलीग्राम का पावर में आता है, और ये अगर आप लोग किसी मतलब एनीमिया के लिए खा रहे हैं तो ये मतलब आपको दिन में एक बार करके खाना है, 3 to 4 months ऐसे खाना है, उसके बाद में आपको फिर मतलब चेक करके ब्लड टेस्ट करके या चेक करके डॉक्टरों के सलाह से फिर से आपको लेना है। तो चलिए दोस्तों अभी हम फोलिक एसिड के साइड इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो फोलिक एसिड खाने से जनरली आपको वोमिटिंग हो सकता है, या साथ साथ में आपको पेट दर्द हो सकता है, या मतलब ज्यादा गैस के कारण आपको चक्कर ऐसा कुछ आ सकता है, और अगर ज्यादा कुछ कंडीशन आया तो स्किन में रैशेस या अर्टिक्रिया ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अभी हम फोलिक एसिड के कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में जानेंगे। तो अगर किसी आदमी का मतलब हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ज्यादा हाई है तो उसको ये फोलिक एसिड टेबलेट नहीं लेना है, और साथ ही साथ में अगर किसी को मतलब इस टेबलेट से एलर्जी है तो आप लोग ये फोलिक एसिड टेबलेट उसको मतलब नहीं लेना है। तो ऐसा करता दोस्तों आप लोग को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया फोलिक एसिड के बारे में तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।